Hello my intelligent learners, a very warm welcome to all of you. In this video, I'll talk about the topic variance. Variance is nothing but it is simply the square of standard deviation. I hope you have already watched my various videos on the topic of standard deviation. So, variance is nothing. It is simply the square of standard deviation. And the term was first used by R.A. Fisher in 1913. Symbolically, if standard deviation is this symbol, so variance will be the square of standard deviation. So it will be symbolized by this symbol, standard deviation ka square. For individual series, the formula for variance is, for standard deviation there was a square root, but since yes variance hai, yes square hai, so there will be no square root and the formula, rest of the formula will be same. So the formula, basically there are two formulas I have written for individual series. Number one is sigma of x minus mean, so jo deviations aayengi unka square ka sigma upon number of observation, and it can also be written as sigma of x square, that is आप सारे available items का जितने भी आपकी series में item है, observation है, उनका square करेंगे, उनका sigma करेंगे और n से divide करेंगे, minus mean का square. So अगर हम बात करते हैं individual series की ही, तो variance standard deviation कैसे निकाला जा सकता है? अगर आपने variance formula की मदद से निकाल लिया है, तो standard deviation निकालने के लिए आपको simply ऊपर निकाले गए formulas की मदद से निकाले गए number का simply आपको square root करना है, तो आपका आ जाता है standard deviation. And if I talk about continuous in the discrete series, so the variance is equal to, जब हम standard deviation की बात करते थे, तो हम लेते थे square root. यहाँ पे since ये standard deviation है, बल्कि variance है, तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट हट जाएगा बिकॉज ये स्क्वायर हो जाता है. तो आपके पास फॉर्मूला रह जाता है सिग्मा ऑफ, सिग्मा मींस टोटल, टोटल ऑफ व्हाट, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन का स्क्वायर. डेविएशन वो जो हम एज्यूमीन से निकालते हैं उनका स्क्वायर, तो हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन का स्क्वायर को करेंगे और उसका सिग्मा करेंगे, डिवाइड करेंगे एन से जो कि है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस सिग्मा ऑफ एफ इनटू डी, मतलब कि बिना स्क्वायर करे डेविएशन जो होता है उसको एफ से मल्टीप्लाई करके उसका सिग्मा अपॉन एन और इस पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई का स्क्वायर, बिकॉज ये भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के बाहर होता है. तो अगर हम इसको पूरे को स्क्वायर करते तो स्क्वायर रूट तो हट गया, बट सिंस ये स्क्वायर के रूट के बाहर होता है इसलिए ये हो जाता है आई का स्क्वायर. तो अब हम इंडिविजुअल सीरीज को अगर हम प्रैक्टिस करके देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे निकाला जाएगा वेरिएंस, सो दैट विल बी वेस्टेड ऑफ टाइम. अगर आपने स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना इंडिविजुअल सीरीज के केस में सीख लिया था, तो वेरिएंस तो सिंपली उसका स्क्वायर ही है. बट हम कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. तो आपसे पूछा गया है इनकम एंड नंबर ऑफ पर्सन, आपको बोला गया इसका वेरियंस निकालिए. तो सीरीज में आपको कुछ 9 आइटम्स, 9 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपको है कि ऐसे पर्सन जिनकी इनकम 1000 से ज्यादा है, ऐसे 0% है. ऐसे पर्सन जिनकी इनकम 900 से ज्यादा है, ऐसे 50% है. ऐसे पर्सन जिनकी इनकम 800 से ज्यादा है, ऐसे लोग 110 है. जिनकी इनकम 700 से ज्यादा है, ऐसे लोग 200 है. जिनकी इनकम 600 से ज्यादा है, ऐसे लोग 400 है. 500 से ज्यादा है, ऐसे लोग 600 है. 400 से ज्यादा ऐसे लोग 700 है. 300 से ज्यादा है, ऐसे लोग 850 है. 200 से ज्यादा है, ऐसे लोग 900 है. और जिनकी इनकम 100 से ज्यादा है, ऐसी पूरी पॉपुलेशन है, 1000 persons आर देयर. सो नाउ हाउ वी विल रीटेबलेट द डेटा सो एज इट बिकम्स इजी टू फाइंड आउट द वेरियंस. तो हमें इस डेटा को तरीके से दोबारा से रिप्रेजेंट करना होगा एक कंफर्टेबल, सिंपल, easy to understand manner में. तो let's see how to do that. So जो आपका ये पहला item है 1000 से ज्यादा कितने लोग हैं, जो जिनकी income 1000 से ज्यादा है ऐसे लोग 0 हैं. ऐसे कितने लोग हैं जिनकी income 900 से ज्यादा है, ऐसे लोग 50 हैं. तो आपको क्या करना है, आपको range बनानी है कि income, जिनकी income 900 to 1000 के बीच में है ऐसे लोग कितने हैं, जिनकी income 800 टू 900 के बीच में है ऐसे लोग कितने हैं, और जिनकी इनकम 700 टू 800 के बीच में ऐसे लोग कितने हैं. सो ऑन आई विल राइट ऑल दी नंबर 700, 600 टू 700, 500 टू 600, 400 टू 500, 300 टू 400, 200 टू 300 एंड सो ऑन. एंड द लास्ट वन विल बी 100 to 200. So basically there are 9 observations. So S इस टेबल को हमें
फ्रीक्वेंसी का कॉलम फिल करने के लिए हमें अपने गिवन इन्फॉर्मेशन के केस में हमें उल्टा चलना होगा, रिवर्स ऑर्डर में चलना होगा। तो ऐसे लोग जिनकी इनकम 100 से ज्यादा है, ऐसे लोग तो सारे हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनकी इनकम 100 और 200 के बीच में, तो 1000 माइनस 900, सो दीज आर 100 persons। एंड ऐसे लोग जिनकी इनकम 200 से 300 के बीच में है, वो कितने हैं? 900 माइनस 850, दैट इज 50। ऐसे लोग जिनकी इनकम 300 टू 400 के बीच में है, ऐसे लोग कितने हैं? 700 और 850 के बीच में कितना गैप है? 150। सो ऐसे लोग जिनकी इनकम 400 टू 500 के बीच में, ऐसे लोग कितने हैं? 700 माइनस 600, मतलब कि 100। And the persons who have income between 600 to 500 are 600 और 400 के बीच में कितने का गैप है? 200। So the persons who have the income between the range of 700 to 800 are 200 और 110 में कितने का गैप है? 90। And then the persons who have the income between the range of 900 to 800 are 110 और 50 में कितने का गैप है? 60। And the persons who have the income between the range of 1000 to 900 are 50. By mistake, I have skipped a data. ऐसे लोग जिनकी इनकम 500 से 600 के बीच में, वो भी 200 है। ऐसे लोग जिनकी इनकम 600 टू 700 के बीच में है, वो भी 200 है। तो आपको यहाँ पे तो 200 लिखना ही था, यहाँ पे भी 200, यहाँ 90, यहाँ 60 और यहाँ पर आएगा 50, जो कि है the persons who have the income between the range of 900 to 1000 are 50 minus 0 equal to 50. Now I will find out the midpoint. Midpoint is 900 plus 1000 divided by 2, 950. Then 800 plus 900 divided by 2 is 850. 700 plus 800 divided by 2 is 750. So the series will reduce by 100 at each step. So the next number will be 650, 550, 450, 350, 250. And the last one will be 150. So this is your x, and I need the total of this column. Sigma f is nothing but n. So sigma f is equal to n. Ye aage use hoga, to ye hai thousands persons. So the next step will be finding out the step deviation from the assumed mean. Pehle mujhe ek assumed mean maan lena hai. तो प्रेफर करना चाहिए कि आपका एज्यूम मीन आपके डेटा के सेंटर में से हो। तो मान लीजिए मैंने 550 को एज्यूम मीन माना है, सो माय एज्यूम मीन इज 550, सो एक्स माइनस 550। अब जब मैं जितनी बार इसमें से 550 लेस करूंगी, तो जो मेरे पास नंबर्स आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, 950 माइनस 550 इज 400, 850 माइनस 550 इज 300, 750 माइनस 550 इज 200। सो ऑल दीज नंबर्स हैव 100 common in them. So what I'll do, I'll divide this number by 100. So I is 100. The common factor is 100. So my answers will be 950 minus 550 is 450. Sorry, 400. 400 divided by 100 is positive 4. Similarly, 850 minus 550 is 300. And 300 divided by 100 is positive 3. So positive 2, positive 1, 0. Then minus 1, minus 2, minus 3 and minus 4. Now the next step will be finding out FD, which is the multiplication of these two columns. So my answer for this column will be 550 plus 4 is 250 into 4 is 200. 60 into 3 is 180. 90 into 2 is again 180. 200 into 1 is 200. 200 into 0 is 0. 100 into minus 1 is minus 100. 150 into minus 2 is minus 300. 50 into minus 3 is 150. And 100 into minus 4 is minus 400. Now talking about D square. So for D square, 4 4s are 16. 3 3s are 9. 2 2s are 4. 1 1s are 1. 0, 1, 4, 9 and again 16. So I will multiply this D square column with the F column. So 15 to 16 is 800. 16 to 9 is 540. 19 to 4 is 360. 200 into 1 is 200. 200 into 0 is 0. 100 into 1 is 100. 150 into 4 is 600. 50 into 9 is 450.
And the last, 100 into 16 is 1600. And we need to find out the total of this column as well as this column. So let me do that with the help of calculator. It is, for this column, sigma FT is minus 190. And for this column, sigma FD square is 4650. Now, I will put the data in the formula. I know the formula for standard deviation is the square root of sigma FD upon N minus sigma FD upon N ka whole square multiplied by I. But this is variance, which is the square of standard deviation. So, ek to square root hat jayega. Aur dusra I ka ho jayega square. So, sigma FD is minus 190. This is sigma FD square, so this is 4650 upon N, which is 1000, minus sigma FT is minus 190 upon 1000 ka whole square. And putting this in a big square bracket and multiplying it with the square of common factor, jo ki maine choose kiya tha to be 100. So, I need to solve this out. This will be 10000, and let me solve it with the help of calculator. So this is 4.650 minus the square root of 190 is actually 36100, but this is divided by 1000, so it will become 0.036100. So we'll deduct it. From 4.650, we'll get 4.6139 into 100 ka square, which is 10,000. So, your final answer will be 46139. So, that's it for this video. That's it for this question. Now, we'll do another very important question. So, the second question that I have taken up in this video is the mean of 5 observation. 5. The mean of 5 observation is 4.4. And the variance for these 5 observations is 8.24. Aapko mean diya hua hai aur variance diya hua hai 5 numbers ka. If 3 of the 5 observations are 1, 2 and 6, in 5 observations mein se aapko 3 de rakhi hain, 1, 2 and 6. To bataiye bina wo jo 2 observations aapko nahi di hui, unko aap kaise nikalenge? So we'll do that. Hame bataya gaya question mein that the number of observations are 5, so n is 5. And the mean of these 5 observations is 4.4. The variance of these 5 observations is 8.24. And we know that the formula for the mean is sigma of x upon n, which can also be written as, this n will be taken up here. So it will become nx bar. Sigma x is equal to nx bar. So we can say that 5 into 4.4. which will be equal to 22. So, हमारे question के हिसाब से अगर एक observation 1 है, दूसरी observation 2 है, तीसरी observation 6 है, और दो observations हमें पता नहीं, जो कि मैंने मान ली कि these are x1 and x2, तो इन सब का sum total कितना हुआ? 22. Now, we should also write it down that let missing observations are x1 and x2. Now, moving further, हम बात करते हैं standard deviation की या variance की. Variance का formula होता है, symbolically variance is expressed by the square of standard deviation and it is equal to sigma x square upon n minus mean का square. So, it can also be rewritten as sigma x square is equal to n multiplied by standard deviation का square या कह दीजिए variance plus mean का square. तो उसमें अगर हम n multiply कर देते हैं तो हमें मिल जाता है sigma x square, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Question के हिसाब से sigma x square क्या है? 1 का square plus 2 का square plus 6 का square plus दो numbers मुझे पता नहीं है उनका भी square. तो ये अब कितने के बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा आपके question के हिसाब से. हमारे पास sigma x square is equal to 8.24, n is 5, variance is 8.24 plus mean, which is, mean is 4.4, 4.4 ka square is 19.36. So, let me solve that with the help of calculator. It is 138. So,
दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वल इन टू 138, क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये पूरी इक्वेशन भी 138 के बराबर होगी। और अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 6 का स्क्वायर इज 36, तो 1 प्लस 4 प्लस 36 इज 41। सो व्हेन 41 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 138, यू विल गेट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 138 माइनस 41, दैट इज 97। नाउ लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 22 माइनस 6 विच इज 16, 16 माइनस 2 इज 14, 14 माइनस 1 इज 13, तो x1 प्लस x2 हमें मिल जाता है 13। इसको कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ मूविंग फर्दर, हम x1 स्क्वायर को x1 स्क्वायर ही रहने देते हैं, लेकिन x2 स्क्वायर की जगह अगर हम लिखते हैं 13 माइनस x1 का स्क्वायर, जो कि मुझे मिल रहा है इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाता है 97 के बराबर। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x1 स्क्वायर प्लस 169 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 26 x1, a माइनस b का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 97। सो यहाँ पे दो दो x1 स्क्वायर हो गए, तो इट विल बिकम 2x1 स्क्वायर एंड माइनस 26x1। और अगर हम इसको यहां ले आते हैं 169 माइनस 97, इट विल बिकम 72। सो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 एंड इट कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड। हम पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 13x1 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अब आगे, x1 स्क्वायर माइनस 9x1 माइनस 4x1 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो x1 कॉमन आ जाएगा अगर, तो बचेगा आपका x1 माइनस n 9, एंड अगर हम माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो आपका फिर से बचेगा x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x1 माइनस 9 एंड x1 माइनस 4। सो आपके पास x1 की दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है 9 और एक आती है और x1 इज इक्वल टू 4। तो आप कह सकते हैं कि अगर इफ x1 इज 9 तो आपका x2 होगा 4, और इफ x2 इज इक्विवेलेंट टू 4 देन आपका x1 अगर आपका 4 है तो आपका x2 होगा 9। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। सो इन द एंड आई कैन से दैट द अदर टू ऑब्जर्वेशंस जो मिसिंग थी आपके क्वेश्चन में, द अदर टू नंबर्स आर 4 एंड 9। So that's it. Thanks for watching. This was the last video for the topic of measures of dispersion. I hope things are clear to you. In case of any queries, please post your comments in the comment box. And do watch out my further videos on further units. So the next video that will be picked up will be correlation. Bye-bye.